मकर संक्रांति के अवसर पर गुरु गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले की तैयारियों का जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने जायजा लिया। मेले की तैयारियों को लेकर जहां डीएम ने मंदिर परिसर में ही संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की, वहीं मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने मंदिर में प्रवेश द्वारा सुरक्षा, पार्किंग, शौचालय सहित अन्य सुविधाओं का क्रमवार निरीक्षण किया तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में बाबा गुरु गोरखनाथ को लाखों श्रद्धालु खिचड़ी चढ़ाने आते हैं और वहां लगने वाले मेले का लुफ्त उठाते हैं। ये मेला लगभग एक माह तक चलता है। मेले के सुरक्षा के लिए कई अस्थायी पुलिस चौकियां स्थापित की जाती हैं, जिसका डीएम ने स्थलीय निरीक्षण किया तथा कहा कि मेले के लिए जो भी आवश्यक तैयारियां हैं उसको समय से पूरा कर लिया जाए तथा अलाव आदि की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था भी की जाए तथा स्टैंड आदि की भी समुचित व्यवस्था की जाए। निरीक्षण के दौरान एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, एसडीएम सदर प्रथमेश कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा, मंदिर के प्रभारी द्वारिका तिवारी, अजय सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा, पंद्रह लग गया सर, पंद्रह लोकेशन जानते हैं कहाँ का? जल्दी वाले, नगर निगम वाले, जल्दी वाले तो बात हुई। भगवान को जाति चुराते, क्या वो सर मेरा परिचय कर दो। सफाई के काम, सफाई के टेंडर होते हैं 25 ये दोनों सर प्रवेश द्वार हैं, यहाँ से दर्शनार्थियों का प्रवेश होता है। महिला पुरुष एक साथ आएंगे और यहाँ पर रोका जाता है रास्ता लगा करके, और दोनों तरफ करके यहाँ महिला पूरे सब लाइन में लाइन आपको वैसे कितना लंबा लाइन लगता है? लाइन सर तो इधर क्या करेंगे, ये इसको ब्लॉक कर देंगे, केवल मेला एरिया में जाने वाले लोग इधर जाएंगे। मतलब ये मंदिर के जाने वाले बस इधर ही आकर के ये गलत दुकान लगा दिया, ये इस पर नया लगाया है, ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं लगेगा, ये हटा, वो स्लेब टूटा तो नहीं है एक बार देखिए यार, यहाँ पार्किंग उस दिन तो नहीं रहेगा? नहीं नहीं, ये पार्किंग हो रही है ना मेरे सर, वो बाय रोड पर जाकर तो पहले को बात अरे अब आगे वो मरम्मत होगा, ये सब बाय रोड पड़ जाएगा जरूरी है। पुलिस रहती है, स्वयंसेवक रहते हैं। तीन रो क्यों है? ये तीन है सर, ये दो तो दर्शनार्थियों के लिए हैं और एक हेलो ड्यूटी से संबंधित लोग आपके यहाँ से लोग इधर से फिर पूरे मंदिर खुला रहेगा, इधर तो बैरिकेडिंग नहीं होगा, पूरा पूरा दर्शन हर जगह, भीड़ इधर नहीं, भीड़ बहुत ज्यादा निकलने वाले हैं, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, केवल ये बंद रहेगा, ये बंद
ये किस से खुला रहेगा? हाँ पूरा पूरा मेला ये मेला एरिया में मेला उसे लाइट कम देता है। अच्छा रोज पप्पू कहाँ गया? वो वाले लगा सकते हो, रात को दिखता है लाइक। जी ये तो खिचड़ी मेला का पूरा तैयारी का निरीक्षण किया है, लगभग तो निरीक्षण के हिसाब से पूरा हो गया, सारे विभाग अपने जिम्मेदारी के हिसाब से काम किया है। हम लोग का जो उस पर ध्यान दे रहे हैं, कहाँ जो श्रद्धालु लोग लाखों संख्या में आते हैं उन लोगों का सारे सुविधा का, सौ रुपये पानी का, पीने का, सुरक्षा का व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था सभी लोग का इंश्योर कर रहे हैं हम लोग, सारे व्यवस्था हो जाए और ट्रैफिक जाम से मुक्ति कराने के लिए हम लोग योजना बनाएं। इस बार तो बहुत भव्य कार्यक्रम रहेगा, श्रद्धालु लोग का कोई कठिनाई नहीं होगी।